करें आपको, हवाला हुंडी का कारोबार करने वालों के खिलाफ एक्शन। एफआईए कमर्शियल बैंक सर्किल ने गुलशन इकबाल और सदर में छापा मारकर एक्सचेंज कंपनी के 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसी पर मजीद बात करेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान से। अहमद रहमान खान, बताइएगा स्मगलिंग से पाकिस्तानी करेंसी का नुकसान पहुँचाया जा रहा था। जी बिल्कुल, ये एफआईए कमर्शियल बैंक सर्किल की जानिब से गुलशन इकबाल और सदर में कार्रवाई की गई है। ये एक ही मनी एक्सचेंज थी जिसके दो दफातर पर छापामार कार्रवाई की गई है एफआईए की जानिब से, जिसमें 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार किया गया है। ये मुलजिमान बगैर रसीद बलूचिस्तान में शहरियों को डॉलर जो है वो फराहम कर रहे थे और फिर डॉलर की स्मगलिंग जो है वो अफगानिस्तान जो है वो की जा रही थी। इन मुलजिमान के कब्जे से 36,000 डॉलर बरामद हुए हैं, 76 लाख रुपीज पाकिस्तानी बरामद हुए हैं, 30 लाख रुपए की गैर मुल्की करेंसी जो है वो बरामद हुई है। इनसे अभी मजीद तफ्तीश की जा रही है कि ये किस सर्किल और किस रैकेट के थ्रू स्मगलिंग का ये धंधा चला रहे थे। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया अमर।